अयोध्या के बाईपास रामघाट स्थित श्री कामधेनु आश्रम बड़ा स्थान में भव्य रामर्चा तुलसी विवाह का कार्यक्रम हुआ। वहीं आज गोवर्धन दास महाराज की 50वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर साकेतवासी महंत गोवर्धन दास महाराज की प्रतिमा पर महामंडलेश्वर रामलोचन दास आशुतोष दास महाराज वह अयोध्या के साधु संतों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। ऐसी पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के साधु संत व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इसके पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सभी संत महंत व श्रद्धालु मौजूद रहे। यह कार्यक्रम वार्षिक भंडारा होता है। मैं अपने बाबा गुरु पूज्य साकेतवासी श्री श्री 1008 श्रीमान गोवर्धन दास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करता हूं। और इस कार्यक्रम में अयोध्या के वरिष्ठ समस्त नागरिक, वरिष्ठ समस्त श्री महंत और महामंडलेश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य और जितनी भी सुप्रसिद्ध पीठ है अयोध्या की, सभी लोग यहां पर आ चुके हैं। तो दशरथ महल के महान जी और राजकुमार दास जी, जगत गुरु जी इत्यादि सभी लोग यहाँ पर, और हमारे भैया जी हैं जो अब यहाँ भी मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन उनको सभी जानते हैं, आप बताइए। हाँ, तो भैया यहाँ के जो है मुख्य अतिथि भी रहे हैं, और अभी जो है शाम तक 3 बजे तक लमसम माननीय सांसद विभूषण सांसद सिंह जी का आगमन भी होगा। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम यहाँ केवल भंडारे का है। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी की पुण्यतिथि के अवसर? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रत्येक वर्ष इसका लाभ उठा रहा हूँ भंडारा का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अयोध्या के युवा संत हैं, वो अपने पूज्य चाहे गुरुजी का हो चाहे बाबा गुरुजी का हो, बड़े धूमधाम से पुण्यतिथि मनाएं और उनकी परम्परा का इसी प्रकार से संवाहन करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।